हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय श्रीपरा और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। इस चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राइबोसोम्स की डिस्कवरी कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी। तो राइबोसोम नाम का जो स्ट्रक्चर है, पहली चीज़ तो ये कि साइज़ में काफ़ी छोटा होता है, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसको अंडर दी माइक्रोस्कोप, खास करके सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर देख पाना काफ़ी मुश्किल था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद ही हम इसे क्लियर कट देख पाए। तो आप देखिए ज़रा इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। राइबोसोम जो थे वो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्स की तरह होते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड्स होते हैं या सैंड पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, उस तरीके का ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इसे कहा जाता है और इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन्होंने एज अ डेंस पार्टिकल इसको देखा और वो साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेडी। 1953 में एज अ डेंस पार्टिकल उन्होंने सबसे पहले अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स कैसे बनते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है रेबो न्यूक्लिक एसिड, कई लोग राइबो प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग रिबो कहते हैं। तो एक तो आपको आरएनए चाहिए सिंपली और प्रोटीन चाहिए। मतलब राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करने के लिए आरएनए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज, सेल्युलोज प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, उसी तरीके से राइबोसोम्स फॉर्म करने के लिए जिस रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत होती है वो होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन्स। इन दोनों मटेरियल से राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। खास याद रखिए कि राइबोसोम्स किसी भी प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। आपने ये भी देखा कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, राइबोसोम्स कोई भी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड नहीं है। यही रीज़न है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई है वो राइबोसोम्स की दिखाई है, पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राइबोसोम्स का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर ये फिगर सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिखाई है मैंने, स्ट्रक्चर के लिए पीछे हम फिगर को स्टडी करेंगे। अगर हम राइबोसोम्स के टाइप की बात करें तो राइबोसोम्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, जैसे फिगर में आपको दिखाया है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं वो ATS टाइप के होते हैं, और जबकि दूसरा जो उसका टाइप है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जो 70S टाइप के होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब कि बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब पहली चीज़ ये है कि ये 80 के पीछे और ये 70 के पीछे जो S है वो क्या है, ये S है क्या? तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को दिखाने के लिए जैसे वेट दिखाना है, हाइट दिखानी है, तो आपको डिस्टेंस दिखाना, तो उसके पीछे एक यूनिट हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि डिस्टेंस दिखाने के लिए हम किलोमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर और भी है, ये यूनिट्स को यूज करते हैं। तो यहां पर भी ये जो S है वो यूनिट है, पर वो क्या मेजर करता है? जैसे किलोमीटर डिस्टेंस के लिए है, किलोग्राम है वो वेट के लिए है, तो वैसे ये S यूनिट है वो क्या शो करता है? तो पहली चीज तो ये है कि S जो है वो स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। पहली चीज ये कोएफिशिएंट है और ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस को शो करता है। जहां सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि आप भारी भरकम चीज़ें हैं जो होती है, जैसे कि आप एक काम करिए, सोइल का थोड़ा पार्ट लीजिए और उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दीजिए और फिर इस पूरे सॉल्यूशन को आप ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए विदाउट टच किए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सोइल पार्टिकल जो होंगे वो नीचे बैठने लगेंगे क्योंकि उनका वेट होगा, एक डेंसिटी होगी, डेंसिटी के हिसाब से धीरे धीरे ये नीचे बैठने के लगेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर
सारे सॉइल पार्टिकल्स जमा हो गए होंगे और ऊपर की तरफ एकदम क्लीन वाटर होगा। इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो हाई डेंसिटी वाली या भारी भरकम चीज़ें हैं उसको आप बिना टच किए रख देंगे तो फिर धीरे धीरे ये पार्टिकल्स नीचे बैठने लगते हैं। वही नीचे बैठने की जो प्रोसीजर है हाई डेंसिटी या फिर हेवी पार्टिकल्स की, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है क्योंकि जितना जो मटेरियल भारी होगा वो जल्दी से नीचे की तरफ बैठेगा, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा एस उतना वो ज़्यादा हेवी डेंसिटी का और साइज का होगा। तो इनडायरेक्ट वे में तो यही कह सकते हैं कि एस डेंसिटी और साइज मेजर करता है, जितना नंबर बड़ा उतनी डेंसिटी और साइज ज़्यादा, हम ऐसा कहेंगे उस राइबोसोम की। तो दो तरीके के राइबोसोम्स यहाँ हमें मिलते हैं, टू टाइप्स के राइबोसोम्स हैं, 70S एंड दी 88S जो राइबोसोम्स है वो। अब इसमें देखिए कि 80S वाला डेंसिटी में और साइज में बड़ा होगा और 70S वाला डेंसिटी और साइज में छोटा होगा। ये दोनों जो राइबोसोम्स हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो दोनों राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बनते हैं। अब दोनों सब यूनिट्स यहाँ पर आपको दिखाए भी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो सब यूनिट है वो बड़ा सब यूनिट है, एक सब यूनिट लार्ज होता है, तो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा लार्ज सब यूनिट। और जो दूसरा सब यूनिट होता है ये वाला, ये जो सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट है। तो इस तरीके से राइबोसोम स्मॉल एंड लार्ज दो सब यूनिट से बनता हो, चाहे वो 70S राइबोसोम हो चाहे वो 80S राइबोसोम हो, दोनों राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बनते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में लार्ज सब यूनिट 50S का होता है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट 60S का होता है और 40S जो सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। तो दो सब यूनिट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड दी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दोनों में। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि 50S प्लस 30S दोनों सब यूनिट फ्यूज हो जाते हैं आपस में, तो आइडियली यहाँ 80 होना चाहिए था पर 70S हुआ है। दोनों सब यूनिट के फ्यूज होने से जब एक सिंगल राइबोसोम एक यूनिट के फॉर्म में आ जाता है तो उसकी डेंसिटी 80 की जगह 70S हो जाती है, जो आपको खास याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ देखिए, यहाँ 60S और 40S सब यूनिट के फ्यूजन से 100S का प्रोडक्शन होना चाहिए, पर जब ये दोनों फ्यूज होके एक सिंगल राइबोसोम को सिंगल यूनिट के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी डेंसिटी कुछ 80S के आसपास हो जाती है, यहाँ 100S नहीं आएगा। तो ये हमें याद रखना है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन हम जानते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज होते हैं, वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। इस लेक्चर में और एक छोटा टॉपिक भी हम कवर कर लेते हैं जिसका नाम है साइटोस्केलेटल। पहली चीज, स्केलेटल किसे कहते हैं? तो स्केलेटल हम जानते हैं कि हमारी बोन सिस्टम को हम स्केलेटल कहते हैं। स्केलेटल का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो बोन्स है उसी की वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिला है और बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें अरेंज होने के लिए एक फ्रेमवर्क मिला है। एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले तो किसी भी बिल्डिंग को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पिलर्स बनाने पड़ेंगे, तो पिलर्स उस बिल्डिंग के स्केलेटल हैं। हमारे बोन्स हमारी बॉडी के स्केलेटल हैं। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को, बिल्डिंग को और सेल को, सबको क्या देता है? शेप देता है। जहाँ पर भी स्केलेटल है वो शेप मेंटेन रखने का काम करता है। यहाँ पर सेल में भी स्केलेटल है और उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं साइटोस्केलेटल, क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल। आपको साइटोस्केलेटल का एक बड़ा सा नेटवर्क देखने को मिलेगा। आप अगर सेल के अंदर देखेंगे तो फैला हुआ इलेबोरेट नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, जो नेटवर्क फिलामेंटस होगा और ये फिलामेंट्स प्रोटीन के बने होंगे, इसलिए हम प्रोटीनेशियस फिलामेंट वर्ड यूज़ करेंगे। और ये आपको कहाँ दिखेगा? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, इसीलिए इसका नाम हम साइटोस्केलेटल कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरा फिलामेंटस फाइब्रस जो प्रोटीन से बने उसका नेटवर्क यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है।
जनरली सेल के अंदर साइटोस्केलेटल को देखना थोड़ा मुश्किल है। उसका रीज़न है क्योंकि ये साइटोस्केलेटल ओवरलैप हो जाते हैं ऑर्गेनेल्स की वजह से, दब जाते हैं नीचे, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते। अदरवाइज आप देखेंगे तो सेल के अंदर ऐसा फाइबर का नेटवर्क भी है। इस फाइबर की वजह से या इस फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर की वजह से सेल पिचकता नहीं है या फिर दबता नहीं या फिर इसका शेप जो है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए हमने इसके लिए वर्ड स्केलेटन यूज किया। मेजर फंक्शन क्या होगा? जो फंक्शन स्केलेटल का होता है यहाँ पर वही साइटोस्केलेटल का होगा। मैकेनिकल सपोर्ट देना, बिल्डिंग के अंदर जो पिलर्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बिल्डिंग्स को। हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वैसे ही यहाँ पर सेल का स्केलेटल सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मोटिलिटी भी देगा। हम अपने बोन्स की वजह से तो मूवमेंट कर पाते हैं, यहाँ पर सेल के अंदर एक तरीके की जो मूवमेंट हो पा रही है वो भी स्केलेटल की वजह से ही हो पा रही है। और उसके साथ साथ शेप मेंटेनेंस जो सबसे बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बिल्डिंग को जो शेप मिलता है बेसिक वो उसके पिलर्स की वजह से मिलता है। हमारी बॉडी को जो एक बेसिक शेप मिला है वो हमारे बोन्स की वजह से मिला है। सेल का जो शेप है वो सेल को उसके स्केलेटल नेटवर्क की वजह से मिला है और उस शेप को ये स्केलेटल मेंटेन रखता है। ये जो फंक्शन है वो साइटोस्केलेटल का है। तो यहाँ तक हमने दो टॉपिक को पढ़ा, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटल, दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।